खबर जनपद श्रावस्ती से है, जहां पर दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें श्रावस्ती जनपद में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी के नेतृत्व में कोतवाली भिनगा के थाना प्रभारी रमेश टीम के साथ सोमवार को क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुष्कर्म के वांछित आरोपी छोटू उर्फ कमाल अहमद उर्फ अमानत अली पुत्र अली अहमद निवासी जरकुसहा कोतवाली भिनगा को भिनगा बहराइच मार्ग स्थित जरकुसहा पुल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को थाने ले जाकर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक दीपक गिरी, आरक्षी रवि प्रताप आदि लोग शामिल रहे। वहीं दूसरी खबर है, जहां पर 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें श्रावस्ती जनपद में अवैध शराब की बिक्री व निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार गिरफ्तार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को मल्लीपुर क्षेत्र में पुलिस भ्रमण कर रही थी। भ्रमण के दौरान पुलिस ने संदेह होने पर एक व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद हुआ। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान महिपाल पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी दुर्गापुर थाना मल्लीपुर के रूप में हुई। पुलिस की ओर से आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जेल रवाना किया गया। वही तीसरी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने 14 वाहनों के काटे चालान। जी आपको बता दें श्रावस्ती जनपद में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या के निर्देशन पर रविवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सभी चेक पोस्टों पर वाहन चेकिंग की गई। साथ ही यातायात पुलिस की ओर से भी विभिन्न स्थानों पर चेकिंग लगाकर वाहनों को चेक किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों के कागजात, सीट बेल्ट व हेलमेट के साथ ही वाहन में सवार यात्रियों के मास्क को देखा गया। इसमें 14 वाहन को यातायात नियमों के उल्लंघन करते पाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन का मोटर वाहन अधिनियम के तहत ही चालान किया गया। साथ ही चालान किए गए वाहन स्वामियों पर 38,100 रुपये का समन शुल्क लगाया गया। पुलिस कर्मियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की हिदायत भी दी। वहीं तीसरी चौथी खबर है, जहां पर 17 लोगों से वसूला गया जुर्माना। जी हां, आपको बता दें श्रावस्ती जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। दैनिक भ्रमण व गश्त के दौरान बिना मास्क के मिलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही चौक चौराहों पर चेकिंग लगाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अन्य नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। रविवार को 17 लोगों को कोविड नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। इन लोगों का चालान कर 1,700 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी क्रम में सभी थाना व चौकी प्रभारियों ने गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों से बातचीत कर क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लोगों से कहा कि वे संकट के समय पुलिस के डायल 112 पर संपर्क कर मदद ले सकते हैं। पीड़ितों की हर समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।